आज बाबा बाप रूप में मुरली चला रहे हैं। बाबा कहते हैं, बाप बैठा है और ये एक ईश्वरीय कुटुंब है। और आज बाबा ऐसा कहते हैं कि बाबा तो बिल्कुल उस रीति से हमारे साथ चल रहे हैं जैसे लौकिक परिवार में पिता होता है ना, तो वैसे ही बाबा बैठकर एक एक बात हमें समझा रहे हैं बड़े प्यार से ना। लौकिक पिता भी क्या अपने अनुभव से जो ज्ञान उसको है वो समझाते रहते हैं, बच्चा सुने ना सुने, लेकिन लौकिक पिता अपना काम करते रहते हैं। ऐसे ही बाबा भी ईश्वरीय कुटुंब में बैठकर हमें सारी बातें समझा रहे हैं। और आज बाबा राय लेने की विधि समझा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे राय नहीं लेते हैं, है ना? जब सभी बच्चे कभी ना कभी कहते हैं ना, दीदी बात करनी है, टाइम दे दो, फ़ोन करना है, सभी कोई ना कोई कभी ना कभी, लेकिन कब लिखते हैं? जब विकर्म हो जाता है, जब वो विकर्म हो चुका है, जब उसकी उसके रिजल्ट्स सामने आने लगे हैं, और फिर वो भी जब असह्य हो चुका है, तब जाकर राय लेते हैं। तो बाबा एक तो कहते हैं राय लो, लेकिन जैसे बाबा हर चीज़ के लिए कहते हैं विधिवत करो, तो आज बाबा हमें राय लेने की भी विधि समझाते हैं। किसी भी चीज़ की विधि समझना बहुत आवश्यक है। तो पहली बात तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम राय लेने से पहले अपना पोता मेल दो। आप किसी के पास भी जाते हैं दुनिया में राय लेने, है ना? मानो आप किसी को कहते हैं कि मेरे मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, तो आप उसमें कुछ हमें सजेशन दीजिए, तो वो नेचुरल है आपको पूछेगा कि आप किस प्रकार से चला रहे हैं, वो पहले हमें समझाइए, तब तो जाकर हम कुछ इम्प्रूवमेंट के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आप वो नहीं बताएंगे तो फिर वो इम्प्रूवमेंट के बारे में कैसे राय देंगे? दुनिया में जब हम कोई राय लेने किसी से जाते हैं तो उसमें हमारा लक्ष्य अलग होता है ना। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि हम राय लेने जाते हैं कि हमारा बिजनेस कैसे बढ़े या हमारी हेल्थ कैसे बेटर हो। आप एक डॉक्टर के पास भी जाते हैं, कहते हैं ये कंप्लेन है मुझे, आज मेरे पेट में दर्द है या आज मेरे सर में दर्द है या मुझे ये तकलीफ़ हो रही है, तो पहले क्या पूछता है, आप सारे दिन में क्या करते हैं मुझे बताइए, है ना? क्या खाया है आज, क्या किया है सुबह से, बताइए। तो अगर नहीं बताएंगे तो फिर राय नहीं मिल सकती। अब देखो, सबसे पहले जब डॉक्टर कहता है ना कि पहले बताइए क्या किया है, तो आत्मा को इमीडिएटली पता चल जाता है मैंने क्या किया है। इसीलिए वो उसको वो बात बताती नहीं, है ना? मुझे अभी किसी ने कहा कि मुझे एक जो डायटिशियन का नंबर दे दीजिए, तो बहुत भाई बहन हैं यज्ञ में जो ये भी कार्य करते हैं, तो उनका नंबर उनको दे दिया। जब उनको नंबर दिया तो फिर वो उनको उसने पहला प्रश्न पूछा, आप सारे दिन में क्या खाते हैं, तो उसने उसको उत्तर ही नहीं भेजा, है ना? तो उसने उसको उत्तर ही नहीं भेजा, इतने दिन हो गए। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है वो क्या खाते हैं, उसको मालूम है कि जो वो खाते हैं वो नहीं खाना चाहिए।
और अगर ये बताएं बताएं तो उसमें उनको शर्मिंदगी महसूस होती है, तो वो नहीं बताते। हर क्षेत्र में जब हम राय लेने जाते हैं तो पहले पोतामेल देना पड़ेगा, लेकिन जब हम बाबा के पास राय लेने जाते हैं तो हम राय इसकी नहीं लेते कि बिजनेस बढ़ जाए, हेल्थ बेटर हो जाए, संबंध बेटर हो जाए। ये तो हद की बुद्धि से, जो हमारी बुद्धि चलती थी उस हिसाब से हम मांगते थे। अब हम ये समझते हैं कि खेल बहुत बड़ा है और आज एक चीज़ मिल गई, कल खो गई, ये छोटी छोटी बातों के चक्कर में हम नहीं पड़ते हैं। अब हम समझते हैं कि ये सारा खेल कर्म की गति के आधार से चलता है। तो बाबा से हम राय लेते हैं ताकि कोई विकर्म ना हो। हमें कर्म करके राय नहीं लेनी है। बाबा ने स्वयं अपनी वाणियों में कहा है कि जो कर्म हो गया उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो हमें कर्म करने से पहले राय लेनी है, कर्म की राय लेनी है। हमें कर्म फल अच्छा हो उसकी राय नहीं लेनी है। हमें कर्म फल, हम कभी कभी हद के दृष्टिकोण में जब होते हैं ना, तो हम हद की सक्सेस, हद की जीत, हद की प्राप्ति को कर्म फल समझते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो हद की प्राप्ति है वो उसमें नज़र ना आए, लेकिन बाबा त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बाबा है। बाबा जो हमें राय देते हैं, मत देते हैं, उससे बेहद का फल मिलता है। और वो जो बेहद का फल है, हमारी डेस्टिनी है, वो डेस्टिनी क्रिएट होती है जब हम श्रीमत पर चल विकर्मों से छूटते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि हम बाबा से राय क्यों लेते हैं। बाबा कोई ज्योतिष नहीं है, कोई साधु नहीं है जिससे हम जाकर हद की उन्नति और सफलता के लिए राय मांगे, है ना। बाबा कई बार ये बात मुरली में कहते हैं कि मुझे पूछते हैं कि मैं ये चीज़ खरीदूँ नहीं खरीदूँ, ये बिजनेस करूँ नहीं करूँ, मुझे क्या पता ना। बाबा कहते हैं, है ना, ये तुम जानो, तुम्हारे डिसीशन जाने। तो बाबा का वो एरिया नहीं है ना। बाबा इज़ नॉट अ बिजनेसमैन जो हमें बिजनेस की सलाह देंगे। बाबा कोई हेल्थ एक्सपर्ट नहीं है जो हमें हेल्थ के बारे में कहेंगे। बाबा हमें आत्मिक उन्नति के बारे में बताते। बाबा से जब हम राय लेते हैं तो हमें बाबा विकर्मों से छुड़ाते हैं, पापों से छुड़ाते हैं, और बाबा हमें आगे जो बेहद का भाग्य है, 21 जन्मों की राजाई, वो बच्चे को मिले, उस प्रकार से हमें सलाह देते हैं। तो सबसे पहले तो हम बाबा के पास राय मांगने से पहले ये जाने कि बाबा बेहद का भाग्य बना रहा है, बाबा को हद से कोई लेना देना नहीं है ना। हद में जो भी कार्मिक अकाउंट्स हैं या जो भी, और वैसे भी आज इस दुनिया का जो हाल हो चुका है, कोई भी आपको हद की सफलता के लिए कोई निश्चित राय आज नहीं दे सकता, क्योंकि समय ही विनाश काल का है। तो पहली बात है हम पर्पस समझें कि हम राय क्यों ले रहे हैं। हम जब बाबा के घर में राय लेने आते हैं तो हम समझें कि बेहद का बाबा बैठा है, हमें बेहद का भाग्य बनाने के लिए बेहद की राय देते हैं, ठीक है। ये पहली बात हमें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम गलत पर्पस से आके राय लेंगे तो फिर उस हिसाब से हमारा एम है हद की सफलता, हद की प्राप्ति, तो उसमें फिर बाबा क्या करेंगे। वो हद की सफलता, हद की प्राप्ति के लिए तो दुनिया में बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं, उनसे राय ले लो। दूसरा है विधि, जो पहले हमने समझा कि एम क्या हो,
फिर विधि, बाबा कहते हैं विकर्मों से बचना है तो जहाँ जहाँ जिस जिस जीवन के अंग से कर्म से विकर्म बनते हैं उन अंगों का पूरा होतामेल देना पड़ेगा ना, क्योंकि जब हम विकर्म करते हैं तो सिर्फ एक चीज़ से नहीं करते ना, विकर्म तन से भी होते हैं, मन से भी होते हैं, धन से भी होते हैं, संबंध संपर्क में आते हुए भी होते हैं, सारे चीज़ों में विकर्म बनते हैं ना, तो वाचा से भी विकर्म बनते हैं, है ना। तो हम ये तो बता देते हैं बाबा को कि बाबा उन्होंने मुझे ये कहा, लेकिन हमने क्या कहा वो नहीं बताते है ना। तो हम ऐसा कह देते हैं कि हमारा ऐसा दुर्भाग्य है, हमें हमसे सब ऐसे बात करते हैं, हमारे संबंध मीठे नहीं हैं, लेकिन हम क्या करते हैं वो हम नहीं बताते है ना। और मैं आपको एक अपने अनुभव की बात बताती हूँ, ये मैंने जीवन में अनुभव किया, जो जो कर रहा है वो वही पा रहा है, जो जो कर रहा है वो ही पा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जब आत्माएं आती हैं अपने दुर्भाग्य का गायन करती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि रहमदिली में कि शायद ना, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ज्ञान भी भूल जाता है और हम भी समझने लगते हैं कि वो जिसको दोषी कह रहे हैं वही शायद दोषी है, लेकिन जब वही आत्मा हमारे संबंध संपर्क में आती है तो हमें पता चलता है ये क्या करते हैं और इनके साथ जो होता है वो क्यों होता है, और हम अपने विषय में भी ये बात समझते हैं कि आज जो भी जीवन में हो रहा है उसका बीज हमारे अपने कर्मों में है। इसीलिए अपने कर्मों का लेखा जोखा जो ना दे उसको क्या राय दे, तो पहले तो अपने पोतामेल बताएं ना कि हम सारे दिन इस शरीर की एनर्जीज का क्या करते हैं, आँखों से क्या करते हैं, कानों से क्या करते हैं, है ना, हम किस प्रकार से अपनी मनसा शक्ति को यूज़ करते हैं, क्या है हमारे संकल्प, संकल्पों का भेद सुनाए ना, भावनाओं का भेद सुनाए, बिना सुनाए तो कोई नहीं जान सकता। बाबा कहता है मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, मैं किसी के अंदर को बैठ के नहीं जानता, तो जब तक ना सुनाएं, जब तक अपनी वाणी ना बताएं कि हम ऐसे बात करते हैं, हम ये बोलते हैं, जब तक ये ना सुनाएं कि हम धन को इस प्रकार से पाप कर्मों में लगाते हैं, तो क्या राय दें उनको, है ना। फिर तो यही है कि जैसे छोटी सी जो बात है कि हम देखते हैं मुरली सुनते हैं, हम देखते हैं क्लास में आते हैं, बस इतना ही है, क्या समझते हैं वो तक नहीं बताते ना, क्लास में आते तो हैं पर क्या समझते हैं उसका पोतामेल भी नहीं देते, है ना। कम से कम रात को चिट्ठी लिखे कि बाबा मुझे आज ये समझ में आया था, मैंने ये किया, तो भी पता लगे कि अच्छा ये समझते हैं ये करते हैं, है ना। कल भी बता रही थी धारणा के दो पॉइंट्स तक नहीं भेजते, तो क्या पता लगेगा कि ये मुरली सुनते हैं तो इनकी बुद्धि में क्या बैठता है, और फिर ये भी तो पोतामेल दें कि क्या करते हैं उस मुरली का जो सुनकर, जो दो धारणा के पॉइंट्स कहते हैं धारणा के पॉइंट्स, लेकिन धारण किया यानी उसका पोतामेल नहीं देते, है ना। तो धारणा के पॉइंट्स माना जो बाबा ने मुझे धारण करने को कहा या जो मैंने धारण किया, बाबा ने क्या दो ही पॉइंट्स कहे क्या, बाबा ने तो पूरी मुरली कही, तो बाबा के धारणा के पॉइंट्स तो सारे ही है, तो मुझे मुझे क्या धारण हुआ उसका पोतामेल भी नहीं देते, है ना। और फिर कहते हैं कि हमें राय दो, तो जब तक आप अपना चिट्ठा नहीं बताएंगे तो हम कहाँ से राय देंगे, है ना। कई बार हम उनको ये कह देते हैं आप ये करो ये करो ये करो, ठीक है ना। कई बार व्यक्ति कहता है कि मुझे ये विघ्न है, हम कहते हैं चलो आप अमृत वेला योग करो, आप ये स्वमान ले लो, ये संकल्प ले लो, लेकिन हमें तो कोई आइडिया ही नहीं है कि वो सारे दिन उसका कितना विपरीत कर रहे हैं,
तो जिसका पता ही नहीं उसके बारे में राय कैसे दे? अब अज्यूम करके तो राय नहीं दे सकते ना, है ना। हम किसी पे दोष तो नहीं धर सकते कि भाई तुम टाइम वेस्ट करते होगे, तुम ऐसा करते होगे। जब तक कोई बताए ना, तो हमें तो बाबा ने यही कहा है कि अज्यूम करो श्रेष्ठ आत्मा है, श्रीमत पर चलती है, तो उस आधार से ही हम चलते हैं। लेकिन पाप कर्मों की दुनिया में दुनिया भर के पाप कर्म सारे दिन हो रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जब तक तुम अपना पूरा पोतामेल नहीं दोगे तो बाबा राय कैसे देंगे। अब दूसरी बात है सच्चाई की। सत्यता तो बहुत बड़ी शक्ति है ना। सत्यता की शक्ति है इतनी, हम जो हैं जैसे हैं वैसे दिख जाएं, इतने सुंदर हैं हम ना, इतने सुंदर हमारे कर्म हैं कि हमें डर ना लगे कि हम जो हैं जैसे ऐसे दिखे, तो ना हम शर्मिंदा होंगे ना सामने वाला घबराएगा। क्योंकि वी डोंट वॉन्ट टू बी सीन, हम इस पूरी दुनिया में हिपोक्रेसी से चलते हैं, कोई हमारा सत्य नहीं जानता, इसीलिए तो बीमारी बढ़ती चली गई ना। बीमारी बढ़ती कब है? छुपाने से बढ़ती है, आवरण में रहने से बढ़ती है। तो बीमारी तो कभी किसी को दिखाई नहीं ना, क्यों? क्योंकि बीमारी से शर्मिंदा होते हैं, बीमारी को घबराते हैं कि सामने वाला देखकर डर ना जाए, सामने वाला हमें जज ना करे। तो हमारे अंदर इतनी सत्यता है कि हम जो है जैसे है बता सके। चेक करना, आज इतनी ताकत है कि अपना सच्चा चार्ट दे दे, इतनी ताकत है हम में कि हम अपना सच्चा चार्ट बाबा को दे दें, सच्चा सच्चा। कौन है जो यहाँ 100% बाबा के साथ सच्चा है? बाबा के साथ मतलब निमित्त के साथ 100% अपना चार्ट दे सके, मैं ये करता हूँ ये सोचता हूँ, है ना। कहीं तो कम्युनिकेट ही नहीं करते और कहते चार्ट देते ना। आप कितना चलते हैं वो बताने वाले भी बताएंगे ना। तो ये जो चार्ट देना है ये देना पड़ेगा, दिस इज अ प्रैक्टिकल थिंग। कईयों की तो हमें जीवन ही नहीं पता, ऐसे भी भाई बहन हैं जिनके परिवार में कितने सदस्य हैं वो भी नहीं पता, बताते ही नहीं, संबंधी कितने हैं क्या है नहीं बताते, कुछ नहीं बताते ना? तन की भी प्रोफाइल कईयों की नहीं पता ना, बस जो दिखते हैं दिखते हैं, बाकी क्या लिमिटेशंस है, क्या रोग है, जीवन में क्या कर्म करते हैं सारे दिन नहीं पता। और जब तक हम सच्चाई से चार्ट नहीं देंगे तो हमें श्रीमत नहीं मिल सकती, और हम सिर्फ मुरली से श्रीमत समझ लेते तो फिर हम नंबरवार नहीं होते ना। मुरली में तो बाबा सब कुछ कहता है, लेकिन उसको समझने के लिए भी जो बुद्धि चाहिए वो सब में नहीं होती। इसीलिए कई ऐसी बातें हैं जो हम व्यवहार में आने से सीखते हैं ना। अब देखो मुरली में बाबा कभी ऐसे थोड़ी कहता है कि विकारी के, किसी विकारी के घर में आप रात स्पेंड नहीं करना, कभी मुरली में नहीं कहा बाबा ने। लेकिन ये हमारी श्रीमत, अगर आप सेंटर पर बता कर जाएंगे कि हम यहाँ जा रहे हैं 2 दिन, तो आपको पहला प्रश्न पूछा जाएगा आप कहाँ रुकेंगे, आपका ठहरना कहाँ होगा। और अगर जिसके यहाँ हम ठहर रहे हैं उनके यहाँ विकारों की चलन है, तो हमें परमिशन नहीं है कि हम वहाँ ठहरें। इसीलिए बाबा हमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जब हम सच्चा चार्ट देंगे तब
तब जाकर, क्योंकि जो जो बच्चे वहाँ तक पहुँचते हैं कि सचमुच अपने एक-एक कर्म, एक-एक कदम का चार्ट सबमिट करके चेक करेंगे, तब जाकर उनको वो भी बातें समझाई जाती हैं या बताई जाती हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि पहले तो पोतामेल देने का कारण क्या है, क्यों राय लेते हैं समझो, विकर्म ना हो। विकर्म करने के बाद राय लेने से क्या मिलती है? सहानुभूति मिलती है ना, आते भी सहानुभूति के लिए ही है, राय लेने थोड़ी आते हैं, राय तो पहले ली जाती है। बाद में ये सोचते हैं कि दीदी कहे नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, है ना। और मानो दीदी ने कह दिया कि अब हम क्या करें, जो आपने किया है वैसा ही होगा, तो फिर कहेंगे दीदी आशीर्वाद भी नहीं देती है ना, ठंड दो मीठे बोल भी नहीं बोलती है। लेकिन सच्चाई तो यही है ना, अब जो किया है वही होगा, बाद में पूछने से क्या होगा, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि पहले राय लेनी है ताकि विकर्म ना बने, और राय लेने के लिए पहले पोतामेल देना पड़ेगा, है ना। तो पहले तो राय कर्म के लिए लेनी है और फिर पोतामेल भी देना है। और इतनी ऑनेस्टी से हम चलते हैं तो बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें विकर्मों से छुड़ाता हूँ। इतनी ऑनेस्टी से इस पूरी क्लास में एक या दो ही होंगे जो चलते हैं। इतनी ऑनेस्टी से चलने के लिए बहुत ताकत चाहिए ना, तो इतनी ऑनेस्टी से हमें चलना पड़े। अगर हमें सत्यता की दुनिया में जाना है तो पहले हमें बाबा के साथ डायरेक्ट सत्यता के संबंध में आना पड़ेगा ना। तो सत्यता कितनी है वो हम चेक करें। दूसरी बात आज बाबा जो बहुत इम्पोर्टेंट बताते हैं वो ये, पाई पैसे की कमाई के चक्कर में अविनाशी कमाई नहीं छोड़ना। क्योंकि बहुत सारे, अभी देखो जैसे जैसे कोविड की सिचुएशन चेंज हो रही है तो ये बात और भी रेलेवेंट हो गई है, क्योंकि कई हैं जिनका कदम बढ़ा जब कोविड आया, तो कई हैं बच्चे जो बाबा के ज्ञान में चलने लगे। और उस समय कहते कि हम, हमारे जो परिस्थितियां हैं वो ऐसी अनुकूल हैं कि हमारा वर्क फ्रॉम होम है, ऐसा है वैसा है, लेकिन जैसे ही वो परिस्थिति बदलती है तो फिर कहते हैं कि अब तो हम बिज़ी हैं, अब टाइम नहीं है, अब ऐसा नहीं है। तो फिर तुमने समझा क्या? वो जो प्रकृति ने, ड्रामा ने एक विंडो खोली और उस विंडो में हमें जो झलक दिखाई, उससे हमारी समझ में क्या आया? जो हम जैसे ही ड्रामा परिवर्तन हुआ तो हमारी बुद्धि भी वैसे ही परिवर्तन हुई, तो बुद्धि खुली नहीं क्या ना? बुद्धि में समझ नहीं आया क्या, ये बाबा है, बाबा आया हुआ है, मुझे वर्षा लेना है। तो बाबा कहते कि पाई पैसे की कमाई करो, उसको कोई मना ही नहीं है ना। बाबा तो कहते काम धंधा गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कर्म करो, लेकिन जहाँ पर वो क्लैश होने लगे हमारी अविनाशी कमाई से, वहाँ उस समझो कि चॉइस तुम्हें क्या लेनी है ना? देखो कई बच्चे हैं जो कोविड से पहले रोज़ सेंटर आते थे, है ना। अब थर्सडे का नियम हो गया, अब कहते सदगुरुवार आ जाएंगे, और संडे भी आते हैं तो ऑप्शनल है, नहीं है ऐसे इस तरह से चलते हैं। तो नहीं, जो हमारी ईश्वरीय डिसिप्लिन्स हैं, जो जो नए भाई बहने हैं जो ऑनलाइन की विधि से ही सुनते हैं, वो ऑनलाइन अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करें, जो ऑफलाइन सुनते हैं वो ऑफलाइन की अपनी मर्यादा को मेंटेन करें। ये बहुत आवश्यक है, जो डायरेक्शन मिलते हैं उस पर हम चलें और उसमें बहानेबाजी ना हो, है ना, कोई कारण ना बने। क्योंकि बाबा कहते हैं एक समय आएगा जब ये भ्रम हट जाएगा, है ना। हम जो इस विनाशी कमाई के भ्रम में है ना, वो भ्रम खत्म हो जाएगा
और तब सच्चा सच्ची समझ में आएगी कि बात की हमने क्या किया। तो बाबा कहते हैं उस भ्रम में इस भाग्य को गवाना नहीं। फिर आज बाबा एक बहुत बढ़िया बात समझाते हैं। कल मैं मुरली पढ़ रही थी तो विचार कर रही थी, बाबा जैसे समझाते ऐसे दुनिया में कोई ऐसे एग्जाम्पल नहीं दे सकता। बाबा आज कहते हैं कि मनुष्य बच्चों और पोतरों के लिए कमाता है ना, कि वो खाएंगे। फिर बच्चा जब बाप बनता है तो वो भी बच्चों के लिए कमाता है ना, क्योंकि हम जो करते हैं वो संस्कार दे जाते हैं। इसीलिए हम कर्म करते हुए जिन संस्कारों के आधार से कर्म करते हैं उन संस्कारों को हमें बहुत अच्छे से पहचानना है, क्योंकि हम वो कर्म की कमाई ही नहीं, वो संस्कार भी दे रहे हैं। इसीलिए मनुष्य वृत्ति रखता है कि दूसरे के लिए कमा कर छोड़ जाए तो वो वृत्ति भी उनको ट्रांसफर हो जाती है। मैंने बहुत देखा, माताएं कहेंगी हमने बहुत स्ट्रगल किया, हमने बहुत दुख झेला ताकि हमारे बच्चों तक आँच ना आए। लेकिन मैं आपको बताऊं, उनके बच्चे भी उतना ही स्ट्रगल करते हैं और दुख झेलते हैं, क्योंकि उनको वही आता है। जैसे आपने चूज़ नहीं किया, उनको भी चूज़ करना नहीं आता। यू डिंट चूज़ पीस, यू डिंट चूज़ प्योरिटी, तो वो भी उसको चूज़ नहीं करते, वो भी स्ट्रगल और दुख ही चूज़ करते ना। कई कहते हैं ना, हमारी तो पूरी जीवन इनके लिए निकल गई कि ये सुखी रहें, लेकिन हमने जो जीवन का दर्पण उनको दिखाया है वही जीवन वो भी जी रहे हैं। प्रैक्टिकल आप चारों तरफ देखो, यही चल रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं कि जीवन जीने की कला ऐसी रखो कि तुम वो संस्कार भी देकर जाओ आत्मा को। बाबा कहते हैं श्रीमत पर चल, आत्मिक स्थिति में रहे कर्म करके भाग्य बनाना। यदि तुम ये आज करोगे तो बच्चे भी यही सीखेंगे। तुम बच्चों को आगे रखोगे तो श्रीमत को पीछे रखोगे, तो बच्चे भी अपने बच्चों को आगे रखेंगे, श्रीमत को पीछे रखेंगे, और सुख वो भी नहीं भोगेंगे, दुख के भागी बनेंगे, क्योंकि जो श्रीमत पर नहीं चलेगा वो क्या सुखी होगा, है ना। मैं बहुत अच्छी ये बात कई बार सुनाती हूँ। आशा दीदी जी सुनाते हैं कि उनके माता पिता हर कार्य, जैसे आज बाबा कहते हैं पोता मेल सुना कर राय लेकर करते थे, तो सुनाते हैं हम जब छोटे बच्चे थे तो माता पिता छोटी सी बात भी, जैसे एक बर्थडे पार्टी हो रही है तो उसमें क्या गिफ्ट देना है वो भी दीदी से पूछ कर ही देते थे ना, या उसमें खर्च करना है या नहीं करना है वो भी पूछ कर करते थे। तो बचपन में तो वो बात अच्छी नहीं लगती थी ना, लेकिन आज उसी कारण से ना बच्चे भी क्या बन गए, बाबा की श्रीमत पर चल भाग्य बनाने वाले इतनी श्रेष्ठ आत्माएं बन गई। तो हम जो कर्म करते हैं कई बार हम सोचते हैं कि ये करने से इसको सुख मिलेगा, लेकिन जब सुखदाता को राजी करते हैं ना तो सुख की सृष्टि उनकी अपने आप ही बन जाती है और भाग्य अपने आप बन जाता है। हम जो चॉइसेस लेते हैं वो श्रीमत के आधार से जब होती हैं तो सुख की सृष्टि बनती है, और वो चॉइसेस उनके लिए भी दर्पण बनती है कि किस प्रकार से उनको चॉइसेस लेनी है लाइफ में, और जब वो भी वो चूज़ करते हैं तो उनका भाग्य बनता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि किसी के चक्कर में नहीं रहो, तुम किसी को सुख देने की इच्छा से सुख नहीं दोगे, तुम श्रीमत पर चलोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा,
और श्रीमत पर चलोगे तो अन्य भी श्रीमत पर चलना सीखेंगे, उसी से उनको सुख मिलेगा, आपके द्वारा नहीं मिलेगा। तो श्रीमत पर चलकर अन्यों को भी श्रीमत पर चलना सिखाना, यही सुख देने की विधि है। तो ये बहुत अच्छी बात आज बाबा कहते हैं, और बाबा कहते हैं अब तो इस चक्कर में ही नहीं रहो, क्योंकि अब तो विनाश होने वाला है और कौन क्या लेकर जाएगा। तो ये भी समझो कि अब तो सिर्फ अपना ही भाग्य बनाने की बात है, अब तो उनको संस्कार देने की भी बात नहीं है, वो भी ऑटोमेटिक मिलेंगे, जो भी उस आत्मा को करना होगा वो करेगी, लेकिन अपना भाग्य बनाओ। तो ये भी बहुत बड़ा बड़ी पॉइंट जो आज बाबा हमें समझाते हैं, और बाबा आज हमें सेवा के प्रति सतर्क करते हैं कि तुम्हें, बाबा आज बहुत अच्छी बात एक कहते हैं कि ये धर्म की स्थापना कितनी वंडरफुल है ना, हम दैवी धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये जो धर्म की स्थापना का कार्य है, अब देखो दुनिया में दैवी धर्म की स्थापना करने का उद्देश्य कोई नहीं रखते ना। तो बाबा आकर, बाबा आज कहते मैं त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हूँ, मैं त्रिमूर्ति हूँ, और मैं ही आकर तुम्हें पहले दैवी धर्म की स्थापना का उद्देश्य देता, क्योंकि मनुष्य तो भविष्य को नहीं जानता, ये नहीं जानता कि आगे सत्ययुग आना है और हमें उसकी स्थापना करनी है। तो तुम्हें बहुत बड़ा कार्य करना है, तुम्हें आत्माओं को पहले मास्टर त्रिनेत्री मास्टर त्रिकालदर्शी बनाना पड़े। कोर्स क्यों करते हैं, तुम आत्मा हो, तीनों कालों का ज्ञान देते हैं, उसके बाद उनको लक्ष्य पकड़ाते हैं कि दैवी राजधानी की स्थापना में तुम मददगार बनो, और फिर उनको उस श्रीमत देकर कि कैसे बनो उनको चलाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये जो कार्य है जिसकी दुनिया में कोई कल्पना भी नहीं करता, तुम्हें उस कार्य का बीज भी बोना है और उसको अंतिम चरण तक भी पहुंचाना है, इसीलिए इस कार्य के प्रति बहुत तुम्हें डेडिकेशन होनी चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं सेवा करने की बहुत उमंग होनी चाहिए कि हम सेवा करें। देखो जब कोई आत्मा आती है, मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताती हूँ, हम कोर्स कराते हैं तो बहुत समय तक तो व्यक्ति सोचता है कि ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग सिखाने का स्थान है, हम नेगेटिव सोच रहे हैं उसको पॉजिटिव सोचना है ना। लेकिन एलिवेटेड थिंकिंग क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है वो उनको नहीं पता, कि हमें बैठकर सतयुग की संकल्पना से सतयुग रचना है, या वो सिर्फ समझते हैं जो हम गलत कर्म कर रहे हैं वो हमें नहीं करने, लेकिन वो कौन से श्रेष्ठ कर्म है जिनसे श्रेष्ठ सतयुग की रचना होगी, पवित्रता के कर्म सेवा के कर्म है ना, ये बातें वो नहीं समझते। तो बहुत टाइम लग जाता है आत्मा को वहाँ तक लाने में जहाँ उसका ध्येय इतना ऊंचा बने, क्योंकि मनुष्य सिर्फ समझता है कि मैं जो कर रहा हूँ मेरा जो लक्ष्य है वो तो ठीक है, बस वहाँ जहाँ गलती हो रही है उसको मैं थोड़ा करेक्ट कर लूँ है ना। लेकिन नई नए संकल्प नए बोल नए कर्म हमें सीखने हैं या कोई श्रेष्ठ कर्म सीखने हैं, ये बातें नहीं समझते। तो उतना तक आत्मा को है ना ज्ञान सुनाकर और वहाँ तक ड्राइव करना, और खुद इतनी जीवन में धारणा हो, लक्ष्य की इतनी समझ हो, रियलाइजेशन हो कि उनको भी वहाँ तक लेकर आए, बाबा कहते हैं ये सेवा तुम्हें करनी है। इसीलिए अपना चार्ट देंगे तो बाबा बताएंगे कि यहाँ सेवा कर सकते हैं ना, क्योंकि कई बार आत्माएं समझती हैं कि हम जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, लेकिन बाबा आज कहते हैं ना श्रीमत लोगे तो शक्ति भी मिलेगी ना। और कई ऐसे भाई बहनें बैठते हैं जो जब श्रीमत लेते हैं तो उनको पता चलता है अच्छा हम सोचते थे ये नहीं कर सकते पर कर सकते ना। तो बाबा कहते हैं कि श्रीमत लोगे तो शक्ति भी मिलेगी,
और उस शक्ति के आधार से तुम ईश्वरीय कार्य में मददगार भी बन सकेंगे। फिर बाबा आज हमें और एक जो बहुत मीठी शिक्षा देते हैं कि सबसे निरहंकारी से भी पहले, हाँ, बाबा कहते हैं कि सेवा की ऑफर खुद करनी चाहिए ना, क्योंकि बाबा कहते हैं कई बच्चे हैं जो ऑफर नहीं करते, कभी नहीं बताते कि हमारे पास इतना टाइम है, इतनी एनर्जी है, हमारे पास ये धन रखा है जो हम ईश्वरीय सेवा में लगा सकते हैं ना। तो जब बताएंगे ही नहीं, तो बाबा कहता है ना कि बाबा कहते हैं कई सर्विसेबल बच्चे हैं जिनको बाप फोन करके बुलाता है ना। और एक कहानी है यज्ञ में कि एक भाई ने कहा कि आपको ज़रूरत हो तो आप मुझे कहना, बाबा को। तो बाबा को कभी ज़रूरत नहीं होगी, है ना, भगवान है, भगवान कभी ज़रूरत के हिसाब से आपको बुलाएगा थोड़ी कि ज़रूरत है मुझे आओ। तो बाबा कहते हैं फिर भी बाबा रहमदिल है, कई बार भाग्य बनाने के लिए भी सर्विसेबल बच्चों का आह्वान करता है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चों को समझना चाहिए कि सेवा से मेरा भाग्य बनेगा। तो मैं जो समय है, जो संकल्प है, जो मेरे पास एनर्जी है, जो मेरे पास धन की शक्ति है, तो मैं उसको ऑफर करूं कि बाबा मैं ये कर सकता हूं, मेरे पास ये है, तो फिर उसको बाबा कार्य में लगाएगा, है ना। और फिर ये भी होता है कई बार ऑफर करते हैं पर पीछे हट जाते हैं, है ना, क्योंकि सोच समझ के ऑफर नहीं करते, है ना, कई ऐसे होते हैं ऑफर करेंगे और फिर पीछे हट जाएंगे, है ना। एक ने तो ऑफर किया और फिर जब तैयारी करने लगे तो पीछे हट गए, नहीं हम ऐसे नहीं, हम तो इतना ही चाहते, है ना। तो फिर ठीक है, बाबा तो दाता है, आप करते तो आपका भाग्य बनता, नहीं बनता है तो ना सही। तो बाबा कहते हैं ये भी समझ कर चलना होता है कि हम क्या ऑफर कर रहे हैं, और बाबा जब सफल करने आए तो फिर हम पीछे ना हटे ना, क्योंकि कई ऐसे हैं कहेंगे हमारे पास टाइम है, फिर उनको टाइम पे बुलाओ तो कहेंगे आज नहीं है कल है। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी ना समझ कर चलना है हम क्या कर रहे हैं, या हम जब एक कदम श्रीमत पर बढ़ाते हैं, सेवा में बढ़ाते हैं, तो हमारा भाग्य बनता है। तो बहुत सारी बातें होती हैं सेवा क्षेत्र में हम देखते हैं। तो बाबा कहते हैं वेट नहीं करो, ऑफर करो, और ऑफर करके भी समझ से ऑफर करो और सफल करो। और फिर बाबा कहते हैं निरहंकारी बनना है, हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे, हम कुछ भी कर रहे हैं, सबसे पहली बात समझनी है हम अपने कर्मों से अपनी तकदीर बना रहे हैं, हम अपने कर्मों से अपनी तकदीर बना रहे हैं। निरहंकारीपन का सबसे अच्छा फॉर्मूला यही है, जब भी हम सोचेंगे हम बाबा के लिए कर रहे हैं, हम इसके लिए कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं, तो अहंकार आएगा। और ये अहंकार इतना सूक्ष्म होता है ना, इतना सूक्ष्म कि पता ही नहीं चलता कहाँ पर हम डिमांड करना शुरू कर देते हैं, मुझे इतना तो मान मिलना चाहिए, इतना तो मुझे पूछना चाहिए, इतना तो मुझे आगे रखना चाहिए, है ना, दिल में आ गया है, ऐसा भी नहीं है कि कोई शब्दों में, दिल में आ गया है, क्योंकि ये नहीं समझ रहे हैं कि निमित्त कोई भी हो, शिव बाबा के लिए कर रहे हैं और शिव बाबा से मुझे मिलेगा, और मुझे आज कर रहे हैं कल नहीं करने के लिए नहीं, मुझे इस पूरे संगम युग सिर्फ करना है, संगम युग की अंतिम घड़ी तक मुझे सफल करना है। ये सेवा कोई एक दिन की नहीं है, दो दिन की नहीं है, हाँ, दादियों को हमने देखा अंतिम घड़ी तक सेवा कर रहे हैं,
तो आप नहीं करेंगे क्या? इतना करके फिर झोली फैला के बैठ जाते हैं कि नहीं अब हमें दो, हमें मान दो, हमें पोजीशन दो, हमें ऐसा दो, हमें आराम दो। नहीं, संगम युग में हमें सिर्फ श्रीमत पर सेवा करनी है, कुछ डिमांड नहीं करना। इतना निरहंकारी होकर चलना है। और बाबा कहते एक को देखकर दूसरे करते, इसलिए जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। अगर हम वो कल्चर बनाएंगे तो आने वाले भी उस कल्चर में चलेंगे, और अगर हम वो देह अभिमान की संस्कृति बनाएंगे तो कितनों का देह अभिमान पोषण करेंगे बताओ मुझे। देह अभिमान तो अंधा कुआं है ना, कहाँ तक पोषण करेंगे उसका? मैं आपको बताऊँ, एक भाई आया, किसी दूसरी जगह से पालना लेकर आया था। तो एक बार उसको ऐसे क्लास सब बैठे थे तो एक प्रश्न पूछ लिया, शायद परमधाम का वर्णन करिए, ऐसा कुछ प्रश्न था। तो उसमें नाराज हो गया और बाद में कहता है कि ये तो कोर्स का प्रश्न है, मैं 10 वर्ष से ज्ञान में हूँ, मुझे ये प्रश्न पूछ रहे हैं, मतलब क्या मुझे आता नहीं है? तो मैंने कहा तो क्या हमें नहीं आता जो हम इतने दिन से समझा रहे हैं? तो ये जो बातें हैं ना, देह अभिमान ऐसी चीज है, इसीलिए बाबा कहते हैं कि निरंकारिता, ज्ञान की भी कोई सीमा नहीं है। आज कोर्स है, मैं तो हमेशा ये बात कहती हूँ, हर 6 महीने में हर ब्राह्मण आत्मा को कोर्स रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि जो मेरी स्थिति 6 महीने पूर्व थी वो आज नहीं है। आज मेरी स्थिति अलग है, आज मैं वही 7 दिन का कोर्स समझूंगी तो उसकी उसकी जो धारणा है बुद्धि में वो अलग होगी। तो बाबा हमें कहते हैं कि निरंकारी बनो, ज्ञान सुनने में भी निरंकारी है ना। कोई ऐसे ना समझे कि ये मुरली तो मैंने 500 बार पढ़ी है, ये ज्ञान तो मैंने 10 वर्ष से सुना है, 20 वर्ष से सुना है। नहीं, भगवान रोज सुना रहा है तो देर इज अ पर्पज बिहाइंड इट। और अगर सुनाने वाले ही उस रुचि से ना पढ़े ना सुने तो उन्हीं को ज्ञान रत्न नहीं मिलेंगे, तो अन्यों को क्या उसका महत्व सुनाएंगे? तो पहले तो ज्ञान सुनने में भी निरहंकारिता, याद करने में भी निरहंकारिता है ना, क्योंकि बाबा मुझे आज क्या दे रहा है वो याद ना। कई बार हम सुनते, हमने तो ये भी अवस्था का अभ्यास किया, वो भी अवस्था का अभ्यास किया, हम तो 10 साल से याद कर, 10 साल की याद का कोई मतलब नहीं। आज याद किया, आज का चार्ट क्या है? वो 10 साल जैसे दुनिया में होता है ना, हमारे देश में ये हुआ था 50 साल पहले, वो 20 साल पहले, आज कुछ नहीं हो रहा है, आज वो पास्ट ग्लोरी पे चल रहे हैं, ऐसे चलते रहते हैं। तो निरंकारिता जहाँ होती है ना, वहाँ वर्तमान को देखेंगे, और वर्तमान में भी मैं क्या कर रहा हूँ देखेंगे, मुझे क्या मिल रहा है। नहीं, कई बार व्यक्ति को मैंने ये किया का इतना अभिमान होता है कि आज मैं क्या कर रहा हूँ नहीं सोचता, आज मुझे क्या मिल रहा है सोचता है, क्योंकि वो सोचता है मैंने करना था जो कर लिया, अब मुझे इसे मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, संगम युग भाग्य बनाने का युग है, हर सेकंड भाग्य बनाने के लिए मिला है, इसीलिए निरंकारिता से चलना है। देह अभिमान इतनी बड़ी धूल डाल देता है ना बुद्धि पर कि कुछ भी पहचान में नहीं आता, समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं कैसे चल रहे हैं, है ना। प्योरिटी का देह अभिमान हो जाता है। हम ब्रह्मचारी रहे, अरे तुम ब्रह्मचारी रहे लेकिन बाबा ने मनसा वाचा की भी प्योरिटी बताई है। आज उसके अहंकार में तुम्हारी मनसा वृत्ति देखो, ये ऐसा है, ये तुच्छ है, ये नीच है, ये चल रहा है, बाबा ने ये थोड़ी कहा है। तो अहंकार ऐसी चीज है, सेवा का अभिमान ऐसा होता है कि निमित्त को ऐसा कहते हैं हम तुम्हें देते हैं ना, आप हमारी आओभगत करो,
तो आपका भाग्य क्या बनेगा फिर? हम जितना रिटर्न दे सकेंगे दे देंगे, उतना लेके सतयुग चले जाना। बाबा के खाते में तो जमा हुआ नहीं, बाबा के खाते में तो तब जमा होगा ना जब बाबा को देख कर करेंगे और बेहद की प्राप्ति को देख कर करेंगे। तो हर बात को समझ कर चलना है। बाबा की आज की मुरली बहुत विशेष मुरली है। बाबा आज पूरी स्ट्रिक्ट श्रीमद सुना रहे हैं, इसीलिए आपको स्ट्रिक्टली सुना दिया। ठीक है, आगे सब कुछ समझ कर चलो, करो, है ना? क्योंकि कई बार देखो मीठे मीठा बोलते हैं ना, तो सत्य उसमें कभी कभी समझ नहीं आता। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैं एक दिन भाई को भी कह रही थी, देखो मीठा बनना अपनी जगह, लेकिन कल हमें ही ना कहें कि बताया नहीं कुछ, ढंग से सुनाते नहीं हो, बताते नहीं हो। तो हम गलतियाँ पे गलतियाँ करते चले जा रहे। तो इसीलिए देखो कोई, हाँ, कोई ना समझने के कारण भाग्य ना बनाए वो भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो बात मुरली में बाबा जैसे समझा रहे वैसे सुना दिया। ओके, ओम शांति।